أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. صلى الله عليك يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء في أخيك ووصيك علي أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا أبا محمد الحسن، أحسن الله لك العزاء في أبيك علي أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، أحسن الله لك العزاء في أبيك علي أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا صاحب الزمان، أحسن الله لك العزاء في جدك علي أمير المؤمنين. آج روز شب شهادت امیر المؤمنین علیه السلام ہے، اور اس مناسبت سے گفتگو اجمالاً امامت، ولایت اور مراتب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ہو رہی ہے. میں نے سورہ مبارکہ حج کی آخری آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور پرسوں کی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ یہ آیت قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے ہے کہ جس میں فی الجملہ امامت ائمہ اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، سرکار رسالت ماں آپ کے اہل بیت سے ہونے والے اماموں کی امامت پر خوب روشنی پڑتی ہے اس آیت سے. اور افسوس ہے کہ حضرات اس آیت کی طرف کم عنایت فرماتے ہیں، کم توجہ فرماتے ہیں، حالانکہ کتاب شریف کافی، تفسیر قمی اور اس کے بعد اور بہت سی مستند معتبر محتم بالشان کتابوں میں خود ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ بیان موجود ہے کہ فرمایا گیا اس آیت میں مراد حق ہم ائمہ اہل بیت ہیں.
ज़ाहिर है कि सहूलत के पेश नज़र अपनी सेहत के ताल्लुक़ से और आप हजरात के भी वक्त और सहूलत के पेश नज़र में सिर्फ आखिरी फ़िक्रा आयत का तिलावत करता रहा, और इसलिए भी कि वो जान सुखन उसमें मुश्तमा है, वरना पूरी आयत और उसका एक एक फ़िक्रा वजाहिदू फिल्लाह हक जिहाद, और जिहाद करो अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में, ऐसा जिहाद के जिहाद का हक अदा हो जाए। हक सुबहाना हुआ ताला ये खिताब किसी और से कर भी नहीं सकता, खिताब उसी से तो फरमाएगा जिन पे यकीन होगा कि ये जिहाद का हक अदा कर सकते हैं। जो काम जो शख्स नहीं कर सकता, हक सुबहाना हुआ ताला उसके तरफ वो अम्र मुतवज्जह नहीं कर सकता। ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह सुबहाना हुआ ताला किसी को ऐसा हुक्म दे जो हुक्म वो कर ना सकता हो। इसीलिए फ़िक्ह में ये कायदा ये असल मौजूद है कि जितने वाजिबात हैं जितने तकालीफ़ शरईयां हैं ये सब इंसान की सकत और इस्तेताअत से भी बहुत कम हैं। यानी जितनी नमाज जय रकात नमाज इंसान रोज़ाना पढ़ सकता है, कितनी नमाज़ें पढ़ सकता है इंसान, पढ़ने वाले कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, कोई शब भर में 100 रकात नमाज पढ़ता है, कोई शब भर में 1000 रकात नमाज पढ़ता है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम कितनी नमाज़ें पढ़ा करते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातु वसलाम कितनी नमाज़ें पढ़ा करते थे इस पैकरे बशरी में रहते हुए। और उनके ग़ुलामों में उनके मवालियों में उनके शियों में कितने हैं, कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन वाजिब कितनी हैं, बस 70 रकात नमाज़ें वाजिब हैं हज़र में, और उसमें भी कम हो जाती हैं जब इंसान सफ़र में हो। यानी इंसान जितनी बंदगी कर सकता है उससे बहुत कम उस पर वाजिब करार दिया गया है। रोज़े 12 महीने में एक महीने का रोज़ा है, हज पूरी ज़िंदगी में पूरी उम्र में एक मरतबा हज वाजिब करार दिया गया है। और इसी तरह तमाम तकालीफ शरिया पर तमाम अहकाम पर नज़र डाल लीजिए। खुलासा यह है कि परवरदिगार आलम अव्वलन कोई अम्र कोई हुक्म कोई तकलीफ़ कोई वाजिब कोई फरीज़ा कोई काम उसी के सुपुर्द करता है जो उसके का अहल होता है, और फिर उतना ही काम सुपुर्द करता है जो वो कर सकता है। जिसके कदम भी मैदान में न ठहरते हों क्या वो मशमूल खिताब इलाही हो सकता है कि तुम जिहाद करो अल्लाह की राह में, ऐसा जिहाद के जिहाद का हक अदा हो जाए, मशमूल खिताब हो सकता है? हक सुबहाना हुआ ताला उसकी तरफ तवज्जो करके ये बात कह सकता है कि ऐसा जिहाद करो कि जिहाद का हक अदा हो जाए? ये उसलूब खिताब ये कलेमात बताते हैं कि खिताब उनसे है जो हक अदा कर सकते हैं, और वो वही हैं जो हक अदा कर देते हैं और फिर भी कहते हैं कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इन मरातिब को समझना आसान नहीं है, इन मकामात को समझना वाकई ना आसान नहीं है। कुन्हे मारिफते जाते बारी तक पहुंचना तो खैर क्या मुमकिन होगा किसी के लिए? मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ये जो बंदगान मासूम खुदा हैं जिनके लिए मुतवज्जे हुक्म वअतसिमु बिल्लाह, और मैं अर्ज़ कर चुका कि मन इतसम बिल्लाह फहुवा मासूम,
ये जो अल्लाह के मासूम बंदे हैं इनकी मारिफत का हक अदा नहीं हो सकता, और इसलिए मैं बार बार आजिज़ी से, खुलूस से, दिल सोजी से अर्ज़ करता हूँ कि हज़रात आपस में मुशाजरे, मुनाजरे, मुजादले, आपस में मुबाहसे इस तरह न करें जिस तरह कर रहे हैं। कोई किसी को गाली होने का इल्ज़ाम देता है तो कोई किसी को मुकस्सर। हक ये है, इंसाफ की बात यह है कि इस रूए ज़मीन पर जितने हैं या कासिर हैं या मुकस्सर, या इल्मी एतबार से कासिर हैं या अमली एतबार से मुकस्सर, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। कोई हो या इल्मी एतबार से कासिर हैं और या अमली एतबार से मुकस्सर हैं, जितनी खिदमत कर सकते हैं नहीं कर सकते, जितनी इताअत कर सकते हैं नहीं करते, जितनी बंदगी कर सकते हैं नहीं करते, जितना जिक्र कर सकते हैं नहीं करते, और इसलिए हुदूद बंदगी में रहें, हुदूद गुलामी में रहें, दामन विलायत, हबल विलायत को मजबूती से थामे रहें। वो हैं जिन्हें कहा गया वअतसिमु बिल्लाह, और हम वो हैं कि हमें कहा गया वअतसिमु बिहब्लिल्लाह। फर्क है, वो हैं जिन्हें कहा गया वअतसिमु बिल्लाह, हम वो हैं कि हमें कहा गया वअतसिमु बिहब्लिल्लाह। और हब्लिल्लाह से क्या मुराद है? वहदत इस्लामी की दावत देने वाले हर मसलक के लोग वअतसिमु बिहब्लिल्लाह की दुहाई देते हैं या आयत तिलावत करते रहते हैं, मगर ये बताइए कि वअतसिमु बिहब्लिल्लाह कहा गया है ना, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और इख्तिलाफ ना करो, इफ्तिराक ना करो। ये नहीं कि अल्लाह की रस्सी को छोड़ के सब लोग मुत्तहिद हो जाओ। अल्लाह की रस्सी को थाम कर मुत्तहिद हो जाओ और मुत्तफिक हो जाओ और इख्तिलाफ व इफ्तिराक ना करो। अल्लाह की रस्सी कौन है? हदीस पैगंबर है, एलान अमीरुल मोमिनीन है, शहादत मासूमीन है, शहादत मुफस्सरीन है, मुबरहन है, हुज्जत कायम है तमाम खल्क खुदा पर, हब्लुल्लाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल। हब्लुल्लाह अली है, हब्लुल्लाह। तो हमें हुक्म दिया गया अली से वाबस्ता रहो, वही जो पहले दिन अर्ज किया था, हमें कहा गया अली काबे की मंजिलत रखते हैं, तुम अपनी पूरी जिंदगी अली के गिर्द तवाफ करते रहो, सदके जाओ अली की जूतियों के सदके जाओ, सदके जाओ अली के गुबारे खाक कदम के सदके जाओ। अली हैं पूरी जिंदगी, महवर होना चाहिए क्या? महवर दरमियान में ज़ात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सलावत पढ़ें। मैं धीरे धीरे पूरी आयत पढ़ दूँ फिर एक बार, वजाहिदू फिल्लाह हक जिहाद, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए, ऐसा जिहाद के जिहाद का हक अदा हो जाए। मैंने अर्ज़ किया पहला ही फकरा बताता है कि आम खिताब नहीं है। उसके बाद क्या कहा गया? हु अजतबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है। अल्लाहु अकबर। इस हु अजतबाकुम ये दलील कुरानी है कि इन अइम्मा में से हर इमाम मंसूस मिन अल्लाह होता है, अल्लाह मुंतखब करता है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जरिए से मुअय्यन था। हुवा इज्तबाकुम,
وما جعل عليكم في الدين من حرج. हाँ, ये फकरा भी इसलिए आया है यहाँ पर कि उसने चुना है तुम्हें, मगर फिर भी तुम्हारे लिए इस दीन में कोई जबर, कोई तंगी, कोई जीक, कोई हरज नहीं आए. यानी ये नहीं आए, तवज्जो फरमाइएगा, जो लोग इस्मत के नज़रिए पर मुख्तलिफ तरह से एतराज़ करते हैं और कहते हैं जब अल्लाह ने मासूम बना दिया आपके बकौल और ये गुनाह ही नहीं करते तो कमाल कौन सा है. नहीं, कमाल यही है कि ये सब कुछ कर सकते हैं मगर नहीं करते. मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये दीन कौन सा दीन है, ये ओहदा कौन सा ओहदा है, ये तुम्हारा इंतखाब किस लिए हुआ है. वो जो दुआ इब्राहीम थी वह मिन ज़ुर्रियती, वह हमने मुस्तजाब कर लिए तुम्हारे हक़ में, तुम्हें मुंतखब किया है, तुम्हें चुन लिया है. मिल्लत इब्राहीमी को सामने रखो. यहाँ पर बहुत गुफ्तगू की ज़रूरत है. आप जानते हैं कि मैं किसी एक एक कलेमे पे गुफ्तगू करता हूँ तो तकरीबन एक एक खमसा, एक एक अशरा गुज़र जाता है, बस इशारात हैं. ये बड़ी जामे आयत है. इमामत आइम्मे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से नहायत जामे आयत है. मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल. यहाँ पर भी बहस मुफसरीन में हुआ सम्माकुम में हुआ से मुराद जनाब इब्राहीम है या हुआ से मुराद हक सुबहानहु व तआला है. उसने तुम्हें पहले ही से मुस्लिम का खिताब दे रखा है. हकीकत में मुस्लिम अव्वल शह मर्दा अली. ये मिसरा तो आप हजरात के गोशे मुबारक में पड़ा हुआ होगा ना. अल्लामा इकबाल का मिसरा है और कुरान मजीद में वो आयतें, वो मकामात जहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हक सुबहानहु व तआला ने फरमाया है कि आप ये कहें व अना अव्वलुल मुस्लिमीन. तो ये मुस्लिम का लफ्ज़ भी जो यहाँ आया है, ये कयास ना कीजिएगा उस कलमे पे जिसमें हर शख्स मुस्लिम अपने को कहता है. हर कस व नाकस का इस्लाम अलग है, मुस्तफ़ा का इस्लाम अलग है, मुर्तज़ा का इस्लाम अलग है, अल्लाह के मुजतबा बंदों की बंदगी का मेयार अलग है. वफी हादा लियकून अर्रसूल शहीदन अलैकुम. और ये सब जो निज़ाम इलाही है, ये सब जो अहकाम तुम्हें दिए जा रहे हैं, ये सब जो मनासिब तुम्हें दिए जा रहे हैं, ये सब जो अहद व पैमान तुमसे किया जा रहा है, ये ज़िम्मेदारियाँ जो तुम पे डाली जा रही हैं, किस लिए? ताकि रसूल तुम्हारे ऊपर शहीद हों, गवाह हों, और तुम बकिया तमाम खल्क खुदा पर गवाह हो. तबका बन गया या नहीं? हमारे जैसे तो नहीं रहे, हमारी सफ में तो नहीं खड़े हैं, वाज़े है. फ़ाकीमु सलात व आतु ज़कात व अतसिमु बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर. तो फिर तुम नमाज़ें क़ायम करो. ये और मकाम है जब इनसे कहा जा रहा है तुम नमाज़ें क़ायम करो, तुम ज़कात दो. ये बहुत ख़ुसूसी मकाम है. यानी ये भी ये उन मकामात से मुख्तलिफ है जहाँ हमसे कहा जाता है अकीमुस्सलात,
ये मकाम अलग है जहाँ इनसे कहा जा रहा है फ़ाकीमु सलात। ये सब उहदे और मनासिब तुम्हें दिए गए, अब तुम सलात कायम करो। और इन्होंने भी सलात कायम करने और ज़कात देने की वो मिसालें कायम की हैं, वो मिसालें कायम की हैं कि गोया कुरान मजीद की आयतों के मुरक्के ज़िंदगी में नज़र आते हैं। मस्जिद में हैं, नमाज भी कायम है, ज़कात भी दी जा रही है। मक्तल में हैं, नमाज भी कायम है, क़ुरबानी भी दी जा रही है। वअतसिमू बिल्लाह, और बस अल्लाह से वाबस्ता रहो। जो मतालिब हैं, जो दकायक़ हैं, जो लताइफ़ हैं, यानी जो लतीफ़ नुक्ते हैं, जो रकायक हैं, उनके बयान करने का जी तो चाहता है, लेकिन अब एक अरसे से मेरी सेहत, मेरा मिजाज इस कैफियत में है कि मैं नहीं बयान कर पाता हूँ, और वक्त के दामन में भी गुंजाइश नहीं होती है। आप हजरात एक सलावात पढ़ें मुहम्मद। ये आयत मैंने अर्ज़ किया, फिर मुकर्रर अर्ज़ कर दूँ और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ कि यह आयत अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ुर्रियत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अहले बैत मुस्तफ़ा, अहले बैत क़ुरान, अहले बैत कौसर, से होने वाले अइम्मा की इमामत के मुतअद्दिद मुख्तलिफ जिहात और जवानिब पर रोशनी डालती है यह आयत। लेकिन ये मरातब इन्हें किस तरह मिले, ये विलायत उज़्मा इन्हें सुपुर्द कैसे की गई, जितना ये बंदगी में कमाल हासिल करते गए उतनी ही विलायत में मराते बढ़ते चले। रिश्ता है बंदगी का विलायत से। और इसलिए मैं अर्ज़ करूं, बस इशारात हैं कि तौहीद के बाब में लोग बहस करते हैं, और जब विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की गुफ्तगू होती है और विलायत तकवीनिया की बहस होती है, तो बहुत से हजरात परेशान हो जाते हैं और वो समझते हैं कि यहाँ शिर्क हो गया। अव्वलन तो मैं नहायत आजिज़ी के साथ चंद गुजारिशात यहाँ पेश करना चाहता हूँ, नहायत आजिज़ी के साथ। खुदा को इतना महदूद समझ रखा है आपने कि वो कुछ इख्तियारात अली को दे देगा तो उसकी खुदाई में फ़र्क आ जाएगा। इतना महदूद समझ रखा है, खुदा को इतना महदूद समझ रखा है आपने कि वो अगर मुस्तफ़ा को, मुर्तज़ा को, अपने कुछ औलिया को कुछ इख्तियारात दे देगा तो उसकी खुदाई में खलल वाक़े हो जाएगा। कैसा महदूद तसव्वुर है तौहीद का। खुदा को कयास ना करें ना मुस्तफ़ा पर ना मुर्तज़ा पर। खुदा खुदा है, नबी नबी हैं, अली अली हैं, नारे हैदरी। उसके बावजूद एक जुमला और अर्ज करूं, असलन हक़ सुबहानहु व तआला की तरफ से, यानी विलायत तकवीनिया की बहस जो है, मैं इतना अर्ज़ कर दूँ नहायत आजिज़ी के साथ कि लोगों के लिए हो सकता है मुश्किल मसला हो, मुअज़लात में से हो, कुछ लोगों के लिए ज़रूरी मसला हो, इस फ़कीर के लिए खुदा की कसम बदीहियात में से है। और मैं इसके लिए दुआएँ देता हूँ अपने वालिद माजिद मरहूम व मग़फ़ूर को, परवरदिगार उनके दरजात बुलंद फरमाए, जिन्होंने ज़ेरे गुंबदे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद,
हमारी तालीम और तरबियत का ऐसा अहतमाम किया नजफ़ अशरफ ही में। और ज़ेर गुंबद सन 65 में जब हमारी बिस्मिल्लाह हुई थी, मैं ये कह सकता हूँ उस वक्त से लेकर अब तक मेरे दिल में कभी विलायत के मसले में कोई शुभा गुजरा ही नहीं। बचपन से अब तक जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मुताला बढ़ता गया, तालीम बढ़ती गई, दर्स बढ़ता गया, मुताला बढ़ता गया, अब भी मैं अपने को एक नाचीज़ तालिब इल्म समझता हूँ और मुसलसल मुताला करता रहता हूँ। और इसलिए अर्ज़ कर सकता हूँ कि मेरे यकीन में इजाफा ही होता जा रहा है, कहीं कोई शक और शुभा कभी नहीं आया। और इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब मेरे लिए ये मसला बदीहियात में से है, असलन शायान शान परवरदिगार नहीं है कि किसी को कोई ओहदा दे और इख्तियार न दे। सुभान अल्लाह। माकूल नहीं है ये बात कि आप किसी को ओहदा दें और इख्तियार ना दें। गौर फरमा रहे आप, वरना क्या होगा? नऊज़ु बिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह, उसके मानी बस ये होंगे कि जैसे रसूल की हैसियत एक डाकिये किसी है, कोई इख्तियार नहीं है, कुछ नहीं है, बस पैगाम सुना दो और खामोश बैठे रहो और वापस चले आओ। एक पोस्टमैन एक डाकिये में और रसूल में कोई फर्क है? नहीं है। हक सुबहानहु व तआला जिसे अहद कहे, ओहदा कहे, एहतमाम से दे, तो बगैर किसी इख्तियार के, इख्तियार कुछ नहीं है, आप कर कुछ नहीं सकते, बस मेरी ये बात पहुंचा दीजिए। असल शायान शान परवरदिगार नहीं है कि ओहदा दे और इख्तियार ना दे, बस ये है कि वो नाअहलों को इख्तियार नहीं देता, वो उन्हें इख्तियार देता है कि जो सारा इख्तियार रखने के बावजूद कुछ करते नहीं है जब तक कि मशीयत ना हो, इज़्ज़त ना हो। जब तक कि इज़्ज़त ना हो और मशीयत ना हो। इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि हम आप वो हैं कि जो शरीयत पर अमल के पाबंद बनाए गए हैं, ये वो हैं जो मशीयत पर अमल का हक अदा करते हैं। बेबिन तफावत रह अज कुजा, जमीन से आसमान तक का फर्क है, बल्कि उससे भी ज्यादा। जमीन से आसमान तक तो मुहावरतन कह देते हैं ना। अच्छा एक बात और ठहर के अर्ज करूं, जैसे जैसे अच्छा आजकल अस्तग़फ़िरुल्लाह, आजकल एक मुश्किल ये है कि इराक़ से, ईरान से, सऊदी अरब से तो अलग रही बात, इराक़ से, ईरान से, लुबनान से, पाकिस्तान से, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मुल्कों से बाज़ ऐसे अफराद पैदा हो गए हैं जिनके सरों पर अमामा है और वो विलायत तकवीनिया के मुनकर हैं, और बहुत ज़ोर देकर, बहुत से लोग मुअम्मम हैं, अमामे में हैं, बहुत से हजरात अमामे उतार चुके हैं अपने, और ठीक ही किया उन्होंने, 10-10 साल 20-20 साल हौजे में रहे, उसके बाद अमामा उतार के रख दिया और अब मगरबी लिबास पहनकर और यूट्यूब चैनल्स खोलकर अरबी में, फ़ारसी में, अंग्रेज़ी में और मुख्तलिफ दुनिया की ज़बानों में ये तबलीग फरमा रहे हैं कि विलायत तकवीनिया का नज़रिया बातिल है, नऊज़ु बिल्लाह। यहाँ पर तकलीफ़ होगी मगर मैं कह रहा हूँ, मेरी निगाह में ये लोग हशरातुल अर्ज़ से भी पस्तर हैं। हशरातुल अर्ज़ से भी पस्तर हैं, इनकी निगाह में कुछ भी नहीं, निगाह ही नहीं है बेचारों की, आँख खुली ही नहीं है, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, कहीं सियासत की पट्टी बंधी है, कहीं मसलहत की पट्टी बंधी है, कहीं शहवत रानियों की पट्टी बंधी है, कहीं दुनिया परस्ती की आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। बंदगी, बंदगी हक, मारिफत हक, विलायत अइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरफ तो दिलो दिमाग का रुझान ही नहीं है।
दीन का सिर्फ सियासी इस्तेमाल करना चाहते हैं ये लोग, सियासी इस्तेमाल। वरना एक सवाल आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, विलायत तकवीनिया के क्या मानी है? कयास माल फारिक जहन में रहे तशबीह के लिए। मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, मकतबी बहस करनी होगी तो दूसरा मकाम है। ये तकरीर वो है कि जहां अवाम व खवास सब सुन रहे हैं। एक जगह मैंने मिसाल में दी थी कि विलायत तशरीया और विलायत तकवीनिया में फ़र्क क्या है, और बाज़ हज़रात यहाँ तक कहते हैं कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को विलायत तशरीया भी हासिल नहीं है, विलायत तशरीया भी हासिल नहीं है। ये फ़कीर अर्ज़ करता है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इन्हें ओहदा मनसब खातिमियत अता फरमाया था, फ़ाइज़ किया था, विलायत तशरीया भी देकर विलायत तकवीनिया भी देकर। मा आताकुमुर रसूल फखुदूह व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, ये विलायत तशरीया नहीं है तो क्या है? जो तुम्हें मुस्तफा दे वो ले लो, जिस चीज से रोक दे रुक जाओ, जिसे वो हलाल कर दे वो हलाल है, जिसे वो हराम कर दे हराम है। ये विलायत तशरीया नहीं है तो क्या है? मुस्तफा को कानून बनाने का हुक्म दिया है कि नहीं दिया है? ये और बात है, मुस्तफा वो है कि जो कानून बनाते नहीं जब तक कि मशीयत ना हो जाए, इज़्न ना हो जाए। बस इशारात हैं, जाहिर है एक एक मसाले पे अगर गुफ्तगु हो तो 10-10 दिन 20-20 दिन जरूर वक्त चाहिए कम से कम, वरना माशाल्लाह मकतबी बहस के अंदाज से किया जाए, जिस तरह से वक्त बर्बाद करते हैं लोग अपना दरसो बहस में, दरसो बहस में बहुत से लोग वाकई परवान चढ़ते हैं और बहुत से लोग वक्त बर्बाद करते हैं। तो मालूम हुआ कि एक तहारत का मसला है, 3 साल उस पर बहस हो रही है। जिन हजरात की तमाम तालीम तहारत से निकाह तक और निकाह से तहारत तक हो, उनसे और क्या तवक्को रखी जा सकती है? किताब उ तहारत से किताब उ निकाह तक और किताब उ निकाह से किताब उ तहारत तक, बस सारी जिंदगी, पूरी इस्तेदाद, पूरी सलाहियत, बदले जुहद, पूरी जान निकाल के रख देते हैं किस में? तहारत से निकाह, निकाह से तहारत में। एक सलावात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। असल मसले विलायत तकवीनिया बदीहियात में से है, और अर्ज कर रहा हूं समझने के लिए ये काफ़ी है कि विलायत तशरीया क्या है। मैंने समझने की मिसाल दी थी कि जब डॉक्टर नुस्खा देता है ना, बुखार है आपको या फलां बीमारी है, कोई बीमारी है, तो वो नुस्खा लिख देता है, जाइए इसे इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये नुस्खा लिखना ये विलायत तशरीया है। और हज़रत ईसा की तरह मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की तरह, मासूमीन की तरह मरीज के ऊपर एक इसमें इलाही दम करके शफा अता कर देना, सेहत अता कर देना विलायत तकवीनिया है। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। बस यहाँ मुश्किल हो जाती है। आपने कहा ये शिफा देते हैं, शिफा देने वाला तो खुदा है, यानी अगर इन्होंने शिफा दे दी तो उसकी खुदाई महदूद हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, क्या महदूद, तंग, तारीक नजरिए तौहीद लेके बैठे हैं। सिफात बख्शे, मकान बख्शे, जगह जगह एक हरम बनाया, हमारी सूरत गरी ने आखिर खुदा को भी एक सनम बनाया। वाँ 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 वाँ। खुदा को अपने वजूद पे कयास फरमा रहे हैं। इसीलिए हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वसलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद,
के सामने जब किसी ने तकबीर कही अल्लाहु अकबर, तो आपने फरमाया यहाँ आओ सुनो, अल्लाहु अकबर जो तुमने कहा इसके क्या मानी समझते हो? कह नहीं, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ले शय, अल्लाह हर शय से बड़ा है। कहा तो कयास कर लिया तुमने, महदूद कर दिया खुदा को, महदूद कर दिया खुदा को। कह दो अल्लाहु अकबर मिन अन यूसाफ, अल्लाह इससे बड़ा है कि उसकी सना हो सके, उसकी सिफत बयान हो सके, उसकी तारीफ की जा सके, उसको डिफाइन किया जा सके। तो अल्लाहु अकबर मिन अन यूसाफ, हर अल्लाह की सिफत बयान नहीं हो सकती। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं, इधर दो तीन बार ये जुमला कह चुका हूं कि अल्लाह वो हकीकत है, वो नामोतनाही हकीकत है कि जिसके लिए लफ्ज नामोतनाही काफी नहीं है। वो नामोतनाही हकीकत है जो नामोतनाहियों को खल्क करता है। वो नामोतनाही है। अब आप कहेंगे ये क्या आप फरमा रहे हैं, आपके कलाम में तनाकुज है, तजाद है। मेरे कलाम में तनाकुज और तजाद नहीं है, आपके जहन आली में तंगी है, तारीकी है। मेरे कलाम में कोई तनाकुज और तजाद नहीं है, आप ज़ौक़ सुखन से महरूम हैं, ज़बान दा नहीं है आप, ज़बान नहीं समझते आप। और इस ज़बान की बार बार इसलिए बात कहता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया है कि अल्मरु मखबूउन तहता लिसाने, इंसान की शख्सियत, पूरा इंसान तो अपनी जबान के पीछे छुपा होता है। जबान का ख्याल रखिएगा, जबान से हसब नसब का पता चल जाता है। रकीक जबान, गंदी जबान, पस्त जबान, लबो लहजे की खराबी बता देती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मुहज्जब, तालीम याफ्ता, शरीफ, नफीस घराने और खानदान और खानवादे से ताल्लुक रखते हैं या पस्त बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं? जबान का ख्याल रखिए, जबान की शुस्तगी का ख्याल रखिए। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इनकी विलायत और तौहीद हक़ समदी की बातें, बहुत बुलंदी चाहिए इसके लिए, बहुत बुलंदी नफ्स में, जहन में, कल्ब में। तो मैं अर्ज कर रहा था, जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं कि विलायत तकवीनिया यह है कि मादे कायनात में तसरुफ की ताकत। मैंने अर्ज किया था, दावा नहीं किया था, अर्ज किया था आजिजी से, कुरान मजीद में विलायत तकवीनिया के अता किए जाने की दलीलें बिखरी हुई हैं। एक दो दलीलें, बस ये कि एक तकरीर में सब समेट के अर्ज नहीं कर सकता, सकत नहीं है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। जो फकीर होता है वो अपनी एक एक चीज गिन गिन के रखता है, बचा बचा के रखता है, समेट समेट के रखता है। जो गनी होता है वो अपनी हर सिफत बांटता रहता है, लुटाता रहता है, तकसीम करता रहता है। वो खुदा वो कादिर मुतलक गनी अलल इतलाक है। उसने हमें और आपको कितनी सलाहियतें दी हैं। आज साइंस मादे कायनात में तसरुफ करती है या नहीं, साइंसदान तसरुफ करते हैं या नहीं, मादे कायनात में तसरुफ करते हैं या नहीं, वसाइल के जरिए से, इल्मी वसाइल के जरिए से, इल्मी तरीकों से, वसाइल से, मगर मादे कायनात में तसरुफ कर रहे हैं। क्या इनके मादे कायनात में तसरुफ करने से खुदा की वहदानियत पर हर्फ आ गया? एक साइंसदान इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से मादे कायनात में तसरुफ करे, खुदा की वहदानियत पे हर्फ नहीं आता। मासूमीन बगैर जाहिरी वसाइल के मादे कायनात में तसरुफ करें तो खुदा के की वहदानियत में फर्क आ जाता है। एक सलावात पढ़ो, किन किन चीजों में साइंसदान तसरुफ नहीं कर रहे हैं? मर्द को औरत बना रहे हैं ऑपरेशन करके, औरत को मर्द बना रहे हैं ऑपरेशन करके, है ना? हो रहा है नहीं हो रहा है? ये हो रहा है आज, ये ऑपरेशन करके तसरुफ कर रहे हैं।
मासूमीन वो हैं जो एक इशारा कर देते हैं, खिताब कर देते हैं, जमीरें बदल देते हैं और जिंस तब्दील हो जाती है। वहां अगर हम उस चीज का जिक्र कर दें तो तौहीद हक समदी, तौहीद इलाही, शिर्क हो गया। खुदा को इतना महदूद समझ रखा है, यही तौहीद का तसव्वुर है आपका, यही अजमत इलाही निगाह में है आपके, यही निगाह में है आपके अजमत इलाही। सिफात इलाही का इतना ही इदराक फरमाया जनाब ने। और अब अर्ज करूं, आयात की तरफ इशारा करूं, कम से कम दो तीन आयात की तरफ इशारा करूंगा, लेकिन एक बात अर्ज करूं, जाइए अली का बुग्ज दिल से निकाल दीजिए, अपनी तीनत को पाक कीजिए, अपनी तबीयतों को साफ कीजिए, कबल इसके कि कोई साफ करे। अपनी तीनतों को पाक कीजिए, अपनी तबीयतों को साफ कीजिए, अपने जहन को रोशन कीजिए, कल्ब को नूरानी कीजिए, मुतालआ कीजिए तारीख का, हदीस का, रिवायात का, आयात का, और उसके बाद आप देखेंगे कि सदर इस्लाम से लेकर यानी अस्हाब पैगंबर से लेकर आज तक विलायत तकवीनिया का अकीदा और तसव्वुर मुतवातिर चला आ रहा है, ये इस्तिलाह चाहे जब पैदा हुई हो। और अहद पैगंबर में, अहद पैगंबर में सिर्फ सलमान अबू जर नहीं, सिर्फ मिकदाद अम्मार नहीं, सिर्फ हुज़ैफा कंबर नहीं, बल्कि वो लोग जो गासिबीन हुकूक अली मुर्तजा थे उनको भी विलायत तकवीनी का यकीन था। दुश्मनी इसलिए करते थे कि वो यही कहते थे जैसे इब्ने मुलजिम ने कहा, या अली, जब अली ने आंखों में आंखें डाल के कहीं जरबत खाने के बाद क्या मैं तेरा बुरा अमीर था, तो क्या जवाब दिया, या अली क्या जिसने जहन्नम को मुंतखब कर लिया हो आप उसको जहन्नम से निकाल सकते हैं, जिसने खुद जहन्नम को इख्तियार कर लिया हो क्या आप जहन्नम से निकाल सकते हैं। वो थे जो जानते थे ये विलायत तकवीनियां रखते हैं, उसके बावजूद जहन्नम को उन्होंने मुंतखब कर लिया था। हिर्स, हवस, लज्जत परस्ती, दुनिया परस्ती, इख्तदार परस्ती, जर परस्ती, जन परस्ती, दौरे पैगंबर से लेकर शवाहिद, दलाइल, रिवायात अर्ज कर सकता हूं, जिसका जब जहां जी चाहे मुनाजरा कर ले, जिसका जब जहां जी चाहे मुबाहला कर ले। इस मौजू पर अहद पैगंबर से लेकर अस्हाब में विलायत तकवीनिया के कायल मौजूद थे। लफ्ज विलायत तकवीनिया बाद में आया, ठीक है, असल विलायत का कलिमा था मौजूद, और विलायत तकवीनिया का कलिमा ये क्वाइन करने की जरूरत इसलिए पड़ी ये टर्मिनोलॉजी कि चूंकि जहालत की बिना पर, गफलत की बिना पर विलायत का तसव्वुर महदूद करते चले गए, तो जो उरफा थे उन्होंने उसमें इजाफा किया। और क्या तमाम इस्तिलाहें क्या अहद पैगंबर से मुस्तकिर हैं फिक्ह में? नजिस और मुतनजिस की इस्तिलाहें मुस्तकिर हैं अहद पैगंबर से? आज तौज़ीहुल मसाइल में, आज दीनियात की किताबों में जो मुतनज्जिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नजिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुतनज्जिस के मरातिब का जिक्र होता है, ये क्या इस्तिलाहें सब दौरे पैगंबर में थीं? ये इस्तिलाहें तो बाद में वजूद में आई हैं ना, तो क्या इस्तिलाहें अगर बाद में वजूद में आई हैं तो ये मफाहीम, ये मानी, ये मुरादात, ये हकायक नहीं थे पहले? थे, ये थे। इसी तरह विलायत का अकीदा अहद पैगंबर से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और इससे आगे बढ़कर अर्ज कर रहा हूं, असल विलायत तकवीनिया का मुतालबा फितरत में पोशीदा है। हर दौर में जब भी कोई आया और जिसने कहा, किसी ने कहा कि मैं खुदा की तरफ से आया हूं, आवाम ने बरजस्ता कहा खुदा की तरफ से आए हो तो कुछ उसकी दलील दो, दिखाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जो आम तौर पर कोई नहीं कर सकता,
यानी मालूम यह कि जो खुदा की तरफ से आएगा ओहदा लेकर वो इख्तियार लेकर आएगा। यह फितरी विजदानी हकीकत है। हर दौर में हर नबी से मुआजजा तलब किया गया या नहीं? क्यों तलब किया गया? आम इंसान मुआजजा क्यों तलब करता है? इसलिए कि वो ये जानता है, फितरत ये कहती है अगर उधर से आया है तो इख्तियार लेके आया हो। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। उधर से आया है तो इख्तियार कुछ ना कुछ लेके आया होगा, बे इख्तियार नहीं आया होगा, और वो दिखाते हैं। तो हर दौर में विलायत, मसलन जिस तरह मैं अर्ज करता हूं फितरत गौहरे फितरत इंसानी पर जिस तरह कलिमे तौहीद कंदा है, कलिमे नबुवत कंदा है, कलिमे विलायत कंदा है, तो फितरत इंसानी में अजमत इलाही का एक तसव्वुर मौजूद है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। फितरत इंसानी में नबी का एक अजीम तसव्वुर मौजूद है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। फितरत इंसानी में विलायत का एक अजीम तसव्वुर मौजूद है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। बयान कीजिए तो ऐसे ही इख्तिलाफात वजूद में आ जाते हैं, क्योंकि अल्फाज तंग हैं, अल्फाज की बिसात छोटी है, मानी की बिसात नामोतनाही है। मैं क्या अर्ज करूं, फिर हवाला दे रहा हूं, नाम नाम गिना रहा हूं जनाबे, यानी वो मशहूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खिताब करके एक बहुत नामी मशहूर बहुत बुलंद कामत सहाबी का जुमला है ये, जिसने के बार बार कहा है अपनी ज़िंदगी में कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। कहा या हुसैन, या अबा अब्दुल्लाह, ये जो हमारे सरों पे बाल उगे हुए हैं ना, ये अल्लाह ने उगाए हैं, या अल्लाह के बाद फिर तुमने उगाए हैं। अब इसकी जाहिर है, इस हदीस का आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, इस रिवायत का ना मुखालिफ ना मुआफिक, सिर्फ तावील की अपने अंदाज से कि नहीं, इससे मुराद विलायत तकविया नहीं है, इससे मुराद कुछ और है। उन्होंने कहा या हुसैन, जिस ये वो मौका है कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है उन्हें देखकर कि मेरे बाबा के मेंबर से उतरो, उतर आओ मेरे बाबा के मेंबर से। तो अब यहां मुख्तलिफ तफसीलात बयान की जाती हैं, मैं समेट रहा हूं मेरे सामने। अब तो मेरी सेहत जो है ना ऐसी हो गई है कि सामने घड़ी रख के पढ़ रहा हूँ कि वक्त के अंदर गुफ्तगू समेटता जाऊँ, वरना ज़ाहिर है आप जानते हैं कि डेढ़ घंटा और दो घंटे तक गुफ्तगू होती थी और हो सकती है, लेकिन अब आप हजरात सलावात पढ़ेंगे और दुआ करेंगे तो शायद। तो उसी दौरान इमाम को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, बाज़ रिवायतों में इमाम हसन का जिक्र है और बाज़ रिवायतों में इमाम हुसैन का, लेकिन इमाम हुसैन का नाम ज़्यादा रिवायतों में करीब बुलाया। कहा कि ये जो हमारे सर पे बाल उगे हुए हैं ना, अम्बतल्लाह सुम्मा अंतुम, ये तो अल्लाह ने उगाए हैं या उसके बाद तुमने, ये किस चीज़ का इकरार है? ये विलायत तकवीनिया का इकरार है। उस वक्त से लेकर अस्हाब पैगंबर के दौर से लेकर और अस्हाब अइमा तक और उलमा, चाहे वो शेख कुलैनी हो और चाहे वो शेख मुफीद हो और वो चाहे सैयद रगी हो, जनाब सैयद रगी जिनकी नहजुल बलागा मशहूर है, उन्हीं सैयद रगी की किताब खसाइस अमीरुल मोमिनीन, सैयद रगी गाली थे, सैयद रजी नुसैरी थे, सैयद रजी मुवाहिद नहीं थे, मुशरिक थे। सैयद रजी के बारे में क्या ख्याल है आप हजरात के? उन्हीं सैयद रजी ने जिन्होंने नहजुल बलागा मुरत्तब फरमाई,
खसाइस अमीरुल मोमिनीन, मुख्तसर सी किताब, मुख्तसर सी किताब, उसमें भी वो रिवायतें नकल की हैं जो विलायत तकवीनिया अली इब्ने अबी तालिब पर गवाही देती हैं। यानी एक शख्स अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सामने दो शख्स आए बहस करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, एक मुकदमा लेके आए। उसमें से एक खारिजी था, इत्तेफाक से खारिजी उस मुकदमे में, उस मामले में भी बातिल पर था। आपने फैसला किया तो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक खारिजी गुस्ताखी कर चुका था पहले, यानी हुजूर ने फैसला किया और कहा आपने फैसला आदिलाना नहीं किया है, तो हुजूर ने फरमाया वही हक, अगर मैं आदिल नहीं करूंगा तो फिर कौन आदिल करेगा। वही वाकया यहां पर पेश आया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फैसला किया तो वो मोतरिज हुआ, मोतरिज हुआ तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम गुस्ताखाना अंदाज में मोतरिज हुआ तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बस इशारा करके वो जुमला कहा जो कुत्ते के लिए कहा जाता है, एक्सा। मजमे में बैठा हुआ वो शख्स सियाह कुत्ते में बदल गया। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, आधा वाकया बल्कि आधे से भी कम वाकया पढ़ रहा हूं, वक्त गुजर चुका। किसने नकल किया ये वाकया और फिर दोबारा इंसान भी बनाया उसे, दोबारा इंसान भी बनाया, किसने नकल किया ये वाकया? किसी नौसैरी ने? किसने नकल किया ये वाकया? किसी गाली ने? किसी मुशरिक ने? आप हजरात की इस्तेलाह में जो हजरात जाकिरीन की तौहीन करते हैं, किसी मिंबरी ने? किसी रोजाखून ने? किसी जाकिर ने? शरीफ रवी जामे नहजुल बलागा, उन्होंने नकल किया। तो उस वक्त से लेकर शरीफ रगी हो, शरीफ मुर्तजा हो, उनके उस्ताद शेख मुफीद हो, उनके शागिर्द हो, और उस वक्त से लेकर सिर्फ इमाम खुमैनी विलायत तकवीनिया के कायल नहीं है। मिसबाहुल फकाहा किताब उठाकर देखें, आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अबुल कासिम खुई, वो भी विलायत तकवीनिया के कायल है। एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद। आयतुल्लाह गुलपायगानी, आयतुल्लाह खुई, आयतुल्लाह मोहम्मद तकी बहजत, आयतुल्लाह तबा तबाई साहिब तफसीर अलमीज़ान, किस किस का नाम गिनाऊं? सिर्फ सूफिया थोड़ी कायल हैं, सूफिया के तमाम नजरियात से हम भी मुत्तफिक नहीं हैं, मगर नजरिए से इख्तिलाफ के बावजूद फौरन किसी की तकफीर नहीं करते, किसी को काफिर नहीं ठहराते, किसी की शान में गुस्ताखी इस तरह से नहीं करते। इख्तिलाफ नज़र के इजहार की तहजीब है। जो शख्स भी मुकज़्ज़िब नहीं है, तकज़ीब नहीं करता कलाम हक की, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, मुस्लिम है, मोहतरम है, उसका एहतराम लाजिम है। बहुत से हजरात हैं ना जो तावील तावील करते हैं, तावील बातिल है। आप ये कहते रहिए आपकी तावील बातिल है, आपकी इस तावील से हम मुत्तफिक नहीं हैं, आपकी इस तफसीर से हम मुत्तफिक नहीं हैं, आपकी ये तफसीर बिल्कुल गलत है, ये कहते रहिए। तकफीर करना, तंजीस करना, तहकीर करना, तजलील करना, याद रखिए जो दूसरे को जलील करता है वो ये ऐलान करता है कि मैं जलील हूं। मैं दो तीन मिसालें अर्ज कर दूं, जाके तमाम उलमा की किताबें पढ़े ना पहले, छोटे छोटे इक्तिबास कहीं से यहां से एक लाइन पढ़ ली, उनका एक जुमला सुन लिया, उस एक जुमले हुए सुने हुए जुमले पर और इस एक लाइन की पढ़ी हुई इबारत पर फतवा देते हैं लोग। मेरा नजरिया ये है, मैं वजाहत करता हूं, मुझसे इस्तफसार किया गया है तो मैं बयान दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। अब मैं तीन मकामात से फर्ज कर दूं, वक्त गुजर चुका है ना, कि तीन मकामात बहुत तेजी के साथ।
قرآن مجید میں بعض مقامات پر آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہے صرف خدا کے لیے مخصوص ہے اور اسی طرح کی آیات لے کر آتے ہیں لوگ مثلا سورہ مبارکہ نساء میں ایک آیت ہے جس کا آخری فقرہ ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا عزت کس کے لیے ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بات ختم ہو گئی نا اسی قرآن میں سورہ منافقون میں آ جائیے سورہ منافقون میں کیا کہا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے مگر یہاں پر ایک فقرہ کہہ دیا گیا جو دھیان سخن ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و سبحان اللہ بس اشارات ہیں وقت بالکل نہیں ہے گزر چکا ایک جگہ کیا کہا گیا کہ ان العزت للہ جميعا عزت بس اللہ کے لیے دوسری جگہ کیا کہا گیا للہ العزت اللہ کے لیے عزت ہے ولرسولہ اور رسول کے لیے وللمؤمنین اور مؤمنین کے لیے ولکن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں علم نہیں رکھتے دوسرا اشارہ شفاعت کا مسئلہ یا اس سے پہلے غیب کا مسئلہ عرض کر دوں قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا اور ایک جگہ آیا انما الغیب للہ غیب تو بس اللہ کے لیے ٹھیک ہے اللہ کے لیے ہے نا اس کے بعد کیا کہا گیا عالم الغیب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول وہ عالم الغیب ہے اور کسی پر اپنے غیب کا اظہار نہیں کرتا مگر یہ کہ جس رسول سے راضی ہو جائے دروازہ کھلا دونوں مقامات جمع کریں گے یا ایک آیت پڑھتے رہیں گے تیسرا اشارہ بس اشارات وقت بالکل نہیں ہے میں ورنہ ایک ایک آیت پہ ظاہر ہے کہ ایک ایک مجلس نہیں ایک ایک اشرہ پڑھا جاتا ہے شفاعت کا مسئلہ قرآن مجید میں ایک جگہ کیا کہا گیا قل للہ الشفاعت جمیعا کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے شفاعت بس اللہ کے لیے ختم بات دوسرے مقام پر قرآن مجید میں کچھ اور کہا گیا یا نہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے جو اس کے حضور میں اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ اس کے اذن کے ساتھ دروازہ کھلا دروازہ کھلا عزت صرف اللہ کے لیے ہے ایک مقام پر دوسرے مقام پر اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے مومنین کے لیے مگر منافقین نہیں جانتے علم غیب اللہ کے لیے اور دوسری جگہ اس رسول کے لیے جس کو اللہ پسند کرے شفاعت صرف اللہ کے لیے اور دوسری جگہ اس کے لیے ہے جسے اللہ اذن عطا کرے واضح قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا اور اگر آپ کی طرح قرآن پڑھوں تو پھر اجازت دے دیجئے کہ کل سے بس یہ کہنا شروع کروں گا کہ قرآن نے اعلان کیا ہے لا تقرب الصلاة نماز کے قریب نہ جانا قرآن نے کہا یہ لفظ قرآن ہی کہے نا کسی ضعیف حدیث کے تو نہیں ہے صحیح یاد ہے مجھے آج کل شوگر کی وجہ سے اور بہت سی بیماریوں کی وجہ سے حافظہ میں خراب ہو گیا ہے مگر یہ الفاظ قرآن میں کہیں ہیں لا تقرب الصلاة ہے نا تو آج سے بس یہ ایک اعلان ہوتا رہے نماز کے قریب نہ جانا خبردار خبردار نماز کے قریب نہ جانا اگر نماز کے قریب گئے تو نافرمانی ہو جائے گی اللہ کی اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے اس طرح توحید کے مسائل و ولایت کے مسائل پر غور کیا جاتا ہے خدا کی قسم اور ایک جگہ سمیٹ کر عرض کر دوں
حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, با برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. پورا اقتدار کائنات کا کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس. اسی اللہ نے کہا اس طرح دعا کیا کرو, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, اے میرے پروردگار تو مالک ملک ہے, جسے چاہے ملک دے دے, جسے چاہے ملک چھین لے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب اگر مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے اللہم مالک الملک, اے پروردگار تو ملک کا مالک ہے, جسے چاہے تو ملک دے دے, اور اللہ مصطفیٰ کو ملک دے دے, تو شرک ہو گیا, محدود ہو گیا ملک خدا, بٹ جائے گا ملک خدا, تقسیم ہو جائے گا ملک خدا, معطل ہو جائے گی خدا کی خدائی. کیا تصور ہے توحید کا, ماشاءاللہ چشم بد دور. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلِ محمد. محمد وعجل. بس وقت گزر چکا. ان کی عظمت اسی میں, یہ ایسے عبد خدا تھے کہ اس نے ان کو اپنے ملک کو ملکوت کا امین بنایا تھا, اور یہ اس کی مشیت اور اس کے اشاروں کے پابند تھے. جانتے تھے کہ آج قاتل قتل کرے گا, پھر بھی مسجد میں تشریف لے گئے. کہیں میں نے ایک جملہ لکھا ہے, خدا کی قسم علی اس شجاع کا نام ہے. یاد رکھنا عزیزو, یہ دو جملے یاد رکھنا, علی اس شجاع کا نام ہے جسے کوئی کسی میدان جنگ میں زیر نہیں کر سکتا تھا. اگر اس کے سر پہ ضربت لگ سکتی تھی کسی دشمن خدا کی, تو بس سجدے کے حالت میں, ممکن نہیں تھا. اور علی اس عابد کا نام تھا جسے کوئی عبادت سے روک نہیں سکتا تھا, چاہے سامنے قاتل ہی کیوں نہ کھڑا ہوا ہو. یہ ہے شخصیت, معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے, لیٹا ہوا ہے, اسے جگا رہے ہیں. علی وہ ہے جو اپنے قاتل کو سوتے سے بیدار کرتا ہے. اللہ اکبر. بس گفتگو تمام. آج جی بھر کے امام عصر کو پرسا دیجئے گا, آج جی بھر کے امام حسن و امام حسین کو پرسا دیجئے, آج پرسا دیجئے. تصور کیجئے کہ زینب ام کلثوم کی صدائیں بلند ہیں, وا ابتا وا ابتا وا علیا وا محمدا, صدائیں بلند ہیں, بے چین ہیں, گھر میں امیر المؤمنین کے قیامت برپا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا محراب مسجد سے اٹھا کر, مسجد سے لا کر بیت الشرف کا رخ کیا, بیت الشرف میں داخل ہوئے, اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جہاں گھر میں جو گھر کا مصلی تھا, جہاں مستقل نماز پڑھا کرتے تھے, اس مصلی پہ جا کر لٹا دیا گیا. علی اپنے مصلی پر ہے. پہلے گھر والوں نے حلقہ کیا, خوب گریا ہوا, بلک بلک کے زینب روئی ہے, بلک بلک کے ام کلثوم روئی ہیں, امیر المومنین کی بہت سی بیٹیاں ہیں, بہت سے بیٹے ہیں, بہت سے عزیز ہیں, بہت سے اقربا ہیں, بلک بلک کے رو رہے ہیں, گھر میں قیامت برپا ہے. اور اس کے بعد امام نے سب کو صبر دلایا, سب کو تسلی دی, سب کو صبر دلایا, دلاسا دیا, اور کہا ذرا جو اصحاب ہیں نا ان سے بھی آخری ملاقات کر لینے دو. اصحاب داخل ہوئے, اصحاب آئے ایک ایک کر کے, جو خواص تھے آئے, عوام بھی آئے. امام کو ہر شخص دیکھتا تھا اس کیفیت میں کہ آپ کے پیشانی پر ایک زرد رومال لپیٹ دیا گیا تھا. اس زرد رومال میں اور روح مبارک کی رنگت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا. زہر اتنا اثر کر چکا تھا کہ روح مبارک زرد
और रुमाल भी जर्द, दोनों जर्दियों में कोई फ़र्क नहीं कर सकता था। इमाम अमीरुल मोमिनीन इस हालत में भी शफ़क़त के साथ, लुत्फ के साथ, दिल सोजी के साथ, जज्बे तालीम व तरबियत के साथ लोगों के सवालों को का इस्तकबाल कर रहे हैं, सवाल करने पर तशवीक कर रहे हैं। सलूनी सलूनी, ज़रा उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। एक नहीफ इमाम है, एक ज़ख्म खुर्दा इमाम है, जहर पूरे जिस्म में सरायत कर चुका है, और शफीक है इतना कि उस वक्त भी अपने सहाबियों से, शागिर्दों से कह रहा है पूछ लो मुझसे, पूछ लो जो पूछना चाहो, कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रह जाऊं। बस इतना ख्याल रखना कि सवालात को मुख्तसर करना, मेरी तकलीफ का ख्याल करना, मगर जो पूछना हो पूछ लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी फैजान इल्मी से मुस्तफीज फरमाया है, चश्मे कौसर इल्म जारी था, अली वाज कर रहे थे, अली नसीहत कर रहे थे, अली ने फिर उमूमी वसीयतें की हैं, और उस मौके पर भी क्या वसीयतें की हैं, अल्लाह 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 फिस्सलात। देखो मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, नमाज को कायम रखना। ये वही अली कह रहा है ना जिसने नमाज को ज़िंदगी भर कायम किया, और इस कैफियत के साथ कायम किया जब फ़र्क़ मुक़द्दस दोपारा हो गया तब भी हसन को कहा बेटा नमाज पहले पढ़ा दो। ये अली, अल्लाह अल्लाह फ़ी सलात, अल्लाह अल्लाह फ़ी सियाम रमज़ान। देखो माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों का ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह फ़ी ज़कात, देखो ज़कात में ख़ियानत ना करना, ज़कात फ़ुक़रा में तकसीम करना। अल्लाह अल्लाह फ़िल फ़ुक़रा वल मसाकीन, देखो फ़ुक़रा और मसाकीन का ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह फ़िल ऐताम, देखो यतीमों का ख्याल। फ़ुक़रा का ख्याल रखना, मसाकीन का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना। ये वो फ़िक्रे हैं जो सिर्फ शिया किताबों में नहीं है, मुअर्रिख़ तबरी ने लिखा है, दूसरे तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है ये वसीयत के जुमले। बस दस्ते अदब जोड़ के कहूँगा या अली आप दुनिया से गए यतीमों के हक़ में वसीयतें करते हुए, मगर दुनिया ने यतीमों के ऊपर रहम नहीं खाया, ना आपके यतीमों पर, ना करबला में हुसैन के यतीमों पर। वो हुसैन की यतीम बच्ची जो बाबा बाबा कहती हुई मक्तल में गई और बाबा के लाशे से लपक के गिरिया कर रही थी, उसे किस अंदाज से लाशे से जुदा किया गया है। अरे जालिम ने ताजियाने लगाए, रुखसार में तमाचे लगाए, गोशे मुबारक से गोशवारे सल्ब कर लिए। अली है फरमा रहे हैं अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, तुम्हें वसीयत करता हूँ खुदारा खुदारा यतीमों का ख्याल रखना, खुदारा खुदारा अपने गुलामों कनीज़ों का ख्याल रखना, खुदारा खुदारा ख्वातीन का ख्याल रखना। देखो ख्वातीन पे जुल्म ना किया करो ज़्यादा, औरतों पे जुल्म ना किया करो। एक एक जुज़ियात की वसीयत फरमाई है, और फरमाया अल्लाह अल्लाह फी ज़ुर्रियत रसूलिल्लाह, खुदारा खुदारा रसूल की जुर्रियत का ख्याल रखना, रसूल की आल का ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह फी जुर्रियत रसूलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाब रसूलिल्लाह, रसूलल्लाह के अस्हाब का ख्याल रखना, रसूलल्लाह के अस्हाब की नाकदरी ना करना। मुख्तलिफ वसीयतें करते रहे, कुछ वसीयतें उमूमी थी, कुछ वसीयतें खुसूसी थी। जब असहाब से वसीयत कर चुके और उसके बाद जनाब इमाम हसन को करीब बुलाया, सब घर के बच्चों का हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया, असरार इमामत सुपुर्द किए, इल्काए निस्बत फरमाई, और उसके बाद हुसैन को बुलाया। आप सुनते रहते अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया।
खुसूसी वसीयतें जब फरमाई तो कुछ वसीयतें ऐसी भी है कि ज़ैनब को बुलाकर अलग वसीयतें फरमाई, अब्बास को बुला के अलग वसीयतें फरमाई। खुद कर्म के आलम में है, खुद कर्म के आलम में है, खुद सर मुबारक शिगाफ्ता है, मगर करबला बयान कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन अपने बच्चों को बुलाकर करबला बयान कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं, आशूर के दिन ज़ैनब तुम्हें क्या करना है, आशूर के दिन अब्बास तुम्हें क्या करना है, आशूर के दिन हुसैन तुम्हें क्या करना है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। मैं नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, वक्त गुजर गया, सकत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, इससे ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ सकता। इंशाअल्लाह आप हज़रात नौहा खानी फरमाएंगे, नौहा खानी फरमाएंगे, मातम नौहा खानी में कोताही ना हो, आज़ादारी में कोताही ना हो, इन मजालिस में कोताही ना हो। मैं दुआएं देता हूँ मस्जिद जामे अल सादिक के मुहतमेमीन और मुंतजमीन को, मैं दुआएं देता हूँ मस्जिद मरकज़ इमाम अली और मरकज़ बाबुल मुराद लंदन के मुंतजमीन को, मैं दुआएं देता हूँ हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा सैयदुल क़द्र रज़वी को, कि इनकी ज़ेर सरपरस्ती ये इदारा फ़रोग़ पाए, और जहाँ जहाँ भी आज़ादार हैं परवरदिगार उन्हें अपनी ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार हमारे लिए उलूम क़ुरान और मारिफ़ अहले बैत के दरवाज़े खोल दे। परवरदिगार पूरी दुनिया में जो इंसानियत बेचैन है इस इंसानियत की फरियाद रसी फरमा। परवरदिगार वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा दे।